इनके नाम से ही आधे भाग जाएंगे। कोई अभी अभी कोई काम कोई किसी की पैरवी भी नहीं चलनी है। सबसे बढ़िया काम आधे। और मैं नीतीश जी और तेजस्वी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने डीजीपी जी साहब को फिर बिहार में वापस बुलाया। सीढ़ी का जब भी बहराई होता है तो ऊपर से गंदा बहरते हुए नीचे नीचे सब जगह नीचे तक साफ हो जाता है। उसी प्रकार से भट्टी जी सीढ़ी की तरह सारे प्रशासन तंत्र को टाइट करेंगे और सारा और उनके रहने से अपने पटना में और अपना बिहार में काफी सुधार होगा। वह बहुत स्ट्रिक्ट है हर मामले में। आर एस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। संभवतः सोमवार को आर एस भट्टी अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। ऐसे में पटना सहित राज्य के अलग अलग जिलों में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आर एस भट्टी के पटना बिहार के डीजीपी बनाए जाने पर उनसे किए गए सवालों पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार की जनता, आइए सुनाते हैं। सर, बिहार में पुलिस कमान का डीजीपी का जो पद होता है एक बहुत ही जिम्मेवारी वाली पद होती है और सबसे बड़ी पद होती है। ऐसे में पंजाब मुल्क के आर एस भट्टी को यहाँ का डीजीपी का कमान सौंपा गया है और डीजीपी के रूप में क्या आर एस भट्टी जो कि एक काफ़ी ही ईमानदार और सख्त पुलिस आईपीएस माने जाते हैं, ऐसे में उन्हें जो कमान सौंपी गई है, खासकर आज के दिनों में जब बिहार में अपराध चरम पे है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, शराबबंदी हो, महिला उत्पीड़न हो या फिर हत्याएं हो, तो ऐसे में जो इन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है तो क्या लगता है कि वो अपने कार्य में कैसे सफल हो पाएंगे और कितना लगाम लगाने में सफल हो पाएंगे? सर, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि भट्टी साहब पहले भी अपने बिहार पटना में थे और मैं उनके बारे में अखबार में टीवी में बहुत कुछ सुना। वो एक बहुत ईमानदार अफसर हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, मैं आज पेपर में पढ़ा कि वो पंजाब थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और उनका निश्चय जो भी उनका जो पुलिस पद में बहुत ज़रूरी है, ऐसे अफसर की हम बहुत इज्जत करते हैं। भट्टी साहब बहुत अच्छे हैं और उनके रहने से अपने पटना में और अपना बिहार में काफ़ी सुधार होगा। वह बहुत स्ट्रिक्ट हैं हर मामले में और इस तरह के अफसर यदि 2-4-10 पटना में आए तो हमारा पटना और बिहार में अपराध भी कम हो जाएगा और हम लोग आगे का रास्ता भी देखेंगे। मैं इससे बहुत खुश हूँ, आज मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ा। थैंक यू। सर, बिहार के नए डीजीपी के रूप में आर एस भट्टी साहब को आज पदभार ग्रहण करना है, उन्हें बनाया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है जिस समय बिहार में के कई जिलों में वो एसएसपी और एसपी के रूप में काम कर चुके हैं और काफ़ी जिम्मेवारी के साथ वो अपने कार्य को निभाते हैं और आज उन्हें इतना बड़ा पद पर बैठाया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, तो ऐसे में आर एस भट्टी जो जिम्मेवारी के साथ कैसे काम करेंगे, जो आज बिहार में जो करप्शन की बात की जा रही है तो उस पर कैसे वो लगाम लगाने में सफल हो पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, भट्टी जी के नाम ही काफ़ी है। भट्टी जी की जो पहली जो पोस्टिंग हुई थी, जहाँ तक मेरे को स्मरण है, शायद उनकी भट्टी जी की पहली पोस्टिंग बाढ़ में हुई थी, तो उन्होंने जाकर वहाँ पर क्राइम को कंट्रोल किया। एक आपको शायद सिवान में किसी डॉक्टर का अपहरण हो गया था, डॉक्टर का जब अपहरण जब हुआ तो 40 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, IBCID सारी कुछ फेल कर गई। तो उस वक्त हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, तो डॉक्टरों का शिष्टमंडल जो था वो माननीय लालू जी के पास जाकर मिला, 40 दिन तक कोई सुराग उसका नहीं मिला। तो डॉक्टरों ने हड़ताल भी किया था, उन्होंने कहा कि हम लोग हड़ताल तोड़ना चाहते हैं, माननीय लालू जी हम चाहते हैं कि ये जो केस जो है आप ट्रांसफ़र जो है आर एस भट्टी को कर दिया जाए। तो उस वक्त ये छपरा के SP थे, तो छपरा से सिवान को उन्होंने कहा ठीक है भाई केस जो है मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, ट्रांसफ़र हुआ। तो भट्टी जी ने कहा मैं 72 घंटे के अंदर इसका पता लगा दूंगा और 39वें घंटे के अंदर मिर्ज़ापुर से उस लड़के को बरामद कर दिया गया, वो आर एस भट्टी वो शख्स हैं। तो देखिए, भट्टी जी को जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी को हमें पूरा आशा है कि वो बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। वो किसी की पैरवी नहीं सुनते हैं, ना अपने लिए कोई पैरवी करते हैं। जब अजीत सरकार की जब हत्या जब हुई तो वहाँ कई बड़े बड़े लोग चेहरा का नाम था, बड़ा उस वक्त जो था अस्त व्यस्त हुआ था प्रशासन, सारे लोग जो थे वो रोडों पर उतरे हुए थे। तो लालू जी ने संपर्क साधा तो उस वक्त आर एस भट्टी जो थे वो अपने घर गए हुए थे पंजाब, तो वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ भी ये नहीं मिले, तो फिर पता चला अमृतसर गुरुद्वारे में है। तो अमृतसर गुरुद्वारे से लालू जी ने कॉन्टैक्ट साधा, कहता भट्टी जी को यहाँ से चार्टर प्लेन गया लेकर आए,
और लालू जी इनको लेकर गए थे जहाँ जिस सरकार की हत्या हुई थी, कहा कि देखो भाई मैं आरएस भट्टी को ले आया हूँ, अब जो क्रिमिनल जो बक्से नहीं जाएंगे। तो भट्टी जी का बस नाम ही काफ़ी है, भट्टी जी पूरे बिहार को जो है वो बिल्कुल एकदम सीधा करेंगे, उनको जो जिम्मेदारी जो मिली है वो बहुत अच्छी तरह से निभावेंगे। मैं एक सिख होने के नाते आज फख्र महसूस करता हूँ कि आरएस भट्टी को जो यहाँ पर पदभार मिला, और ये जिस जगह पर आप खड़े हुए जगह का नाम है पटना साहिब। पटना साहिब हमारे 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान है और 29 तारीख को उनका प्रकाश पर्व भी है, और बिहार की जनता गर्वांतित महसूस कर रही है। हम लोग कहीं जाते हैं सिख समाज के लोग तो हम लोग कहते हैं कि पटना साहिब से हैं, चाहे आप लोग भी कहीं से जाएंगे, जो सिख समाज के लोग हैं आपको अपने पलकों पर उठाते हैं क्योंकि अब हमारे गुरु के नगरी से हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिहार के SSP भी जो मानवजीत सिंह ढिल्लन ने सिख समाज से आते हैं, और बिहार के DGP भी राजविंदर सिंह भट्टी सिख समाज से आते हैं। निश्चित रूप से DGP के रूप में आए हैं, वो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्य को पूरा करने का आश्वासन भी दिए हैं लोगों को, और लोगों को लग भी रहा है, काफ़ी उन पर विश्वास भी है। लेकिन सर सबसे बड़ा चीज़ है कि आज आप देख रहे होंगे बिहार में शराबबंदी या अपराध को लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जगह जगह सुनने को आता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में दारोगा इन्वॉल्व है, इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, तो ऐसे में भट्टी साहब काफ़ी सख्त माने जाते हैं। तो क्या लगता है कि पूरा पुलिस तंत्र जो है उसको ये काबू कैसे कर पाएंगे और कितना जल्द इन कितना समय लगेगा? देखिए आपने देखा कभी सीढ़ी को बहरते हुए देखा है? सीढ़ी जब बहराता है ऊपर से बहराता है, जो ऊपर से साफ होगा तो नीचे ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। तो भट्टी जी का नाम ही काफी है, भट्टी जी पूरे प्रशासन को जो है पुलिस तंत्र को ये टाइट कर देंगे। सीढ़ी का जब भी बहराई होता है तो ऊपर से गंदा बहरते हुए नीचे सब जगह नीचे तक साफ हो जाता है, उसी प्रकार से भट्टी जी सीढ़ी की तरह सारे प्रशासन तंत्र को टाइट करेंगे और सारा प्रशासन को ये सुधारेंगे। आज जो भी चुनौती है बिहार के लिए, अब एक KPS गिल हुए थे, उन्होंने पूरे पंजाब में आतंकवाद को कुचल दिया था कि नहीं कुचल दिया था, इनको फ्री हैंड मिलेगा, भट्टी जी बिल्कुल सुधार देंगे। मैं भट्टी जी के लिए यही वाहेगुरु से दुआ करूँगा कि अपने सही से चलाएं। आरएस भट्टी जो पटना के SSP के रूप में भी यहाँ काम किए थे, आज उन्हें बिहार सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्हें DGP बनाया गया है। SK सिंगल जो पहले के DGP थे उनकी कार्यकाल समाप्त हो गई है, ऐसे में आज अनाउंसिंग हुआ है कि वो आरएस भट्टी को DGP का दायित्व दिया गया है और वो कल अपनी कमान सौंपेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आज जो बिहार में जिस तरह का करप्शन चाहे वो कोई भी मामले में हो जो बढ़ रहा है, तो इस तरह की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्या लगता है कि आरएस भट्टी अपने उस जिम्मेवारी को कैसे निभा पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कितना सफल हो पाएंगे? देखिए जब वो SSP थे तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इतना संभाल रखा था, इतना टाइट कर रखा था कि जितने क्रिमिनल्स थे सब अपनी अपनी मांदों में छिप गए थे और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो सबसे पहले तो उनका स्वागत है उनके DGP बनने पर, और बहुत खुशी की बात है। और हमें लगता है कि जब वो SSP थे तो इतना बड़ा उनका योगदान रहा और अब तो उन्हें पूरे महकमे का पदभार मिल गया है, सौंप दिया गया है, तो हमें लगता है कि उससे भी ज़्यादा ये अच्छा बाखूबी काम करेंगे और बिहार की जनता के साथ जुड़े रहेंगे और बिहार की जनता को क्राइम मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। बिहार के जो DGP थे SK सिंगल, आज उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब पंजाब मुल्क के आरएस भट्टी को बिहार की कमान सौंपी गई है DGP के रूप में, ऐसे में क्या लगता है बिहार में जो बढ़ता अपराध है उस पर वो कंट्रोल करने में कितने सफल हो पाएंगे, क्या लगता है आपको? माफ कीजिएगा, मैं छोटा सा दुकानदार बिजनेसमैन हूँ, इन्होंने मुझे थोड़ा बोलने को कहा गया है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, सही आदमी हैं, आज तक जब से इस आए हैं अपनी पोस्ट पर एकदम सही तरीके से उसको चला रहे हैं। अब जैसे हवा चल रही है अकेला सरदार जी क्या करेंगे, फिर भी जहाँ तक उन्होंने अच्छा अभी तक अभी अच्छा ही कर रहे हैं, मालिक की कृपा है, बहुत भावी कृपा है, अपने इज्जत से अपने प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने देंगे। हमको उम्मीद है कि ये सही तरीके आगे चलेंगे। आगे हवा जैसे चल रही है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हवा किधर भाग जाए, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी आज तक मालिक की कृपा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, मालिक की अपार कृपा, गुरु गोविंद सिंह की धरती पर नाज करके
मालिक का बहुत कृपा हुई उन पर कि वो अपने गुरु की इज्जत गुरु की संभ्यता में रह कर बहुत अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अभी तक मालिक की कृपा है, उनका आशीर्वाद माथे पर है गुरु जी का। लगता है कि वो अपनी जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से तो है, आगे उम्मीद में ना आदमी जीता है, मालिक की बड़ी कृपा है। हम लोग का खासकर उम्मीद है कि अपने जिस पोस्ट पर हैं वो अच्छी तरह ही निभाएंगे। थैंक यू। बहुत खुशी हुई है ये DGP हमारे भट्टी साहब आए हैं, और ये पहले भी पूर्णिया में SP रह चुके हैं, और मैं नीतीश जी और तेजस्वी जानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इन DGP जी साहब को फिर बिहार में वापस बुलाया। क्या लगता है कि अपराध को कंट्रोल करने में कितना सफल हो पाएंगे? ये बहुत जल्द ही संभाल लेंगे अपना मोर्चा यहाँ बिहार का, और किसी तरह का क्राइम नहीं होने देंगे। आपने सुना होगा अब RS भट्टी को बिहार का पुलिस ऑफिसर का सबसे बड़ा कमान सौंपा गया है, DGP उनको बनाया गया है। ऐसे में आप लोगों में कितना खुशी है, और क्या लगता है कि DGP होने के बाद जो बिहार में करप्शन और अपराध जिस तरह के बढ़ रहे हैं उस पर किस तरह से वो लगाम लगाने में सफल हो पाएंगे? सबसे पहले तो हम बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिससे आप बिहार नीतीश कुमार को भी बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जो कमान जो है भट्टी साहब को सौंपी है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरा ये है कि इससे जो है सिख समाज तो गौरवित है ही है, और साथ में जो है जो यहाँ जो जितने भी क्रिमिनल हैं वो सब शांत हो जाएंगे, उनके डर से ही आधा क्राइम ख़त्म हो जाना है उनका। वो पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले रहे हैं, उनका नाम से ही खौफ है, आधा क्रिमिनल तो ऐसे ही भाग जाएगा यहाँ से। और दूसरा जो है बहुत मतलब कि अच्छा काम इस और भी है, जितने भी जो शराब माफिया हैं सब अपने आप जो है अंडरग्राउंड भाग जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। इसलिए जो है हम लोग नीतीश कुमार को भी बधाई देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को बधाई देना चाहते हैं जो उन्होंने इतना अच्छा काम जो इनको ला के इनको यहाँ पर लाया है, और बहुत ही अच्छा काम, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप भी देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरह शराबबंदी को लेकर के पुलिस में के ऊपर मैंने कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि उसके साठगठ से ही इस तरह के धंधे हो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिसकर्मियों को किस तरह से ये सारा जो है ना इनके इनके नाम से ही आधे भाग जाएंगे। कोई अभी कोई काम कोई किसी की पैरवी भी नहीं चलनी है, सबसे बढ़िया काम आधे गुंडे तो ऐसे ही छोड़ेगा, और सारा माफिया भी भाग जाना है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। एकदम आपका रिजल्ट देखिएगा सामने, 10-15 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भट्टी साहब को बिहार का DGP बनाया गया है, कितनी उत्साह और कितनी आप लोगों को खुशी है? जो हमारे पटना के जो DGP जो बने हैं भट्टी साहब, वो बहुत अच्छे पटना के लिए काम अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं बिहार पटना के लिए। नीतीश जी को इसके लिए बधाई देते हैं, तेजस्वी यादव जी को इसके लिए हम लोग। जैसा कि आपने सुना कि सिख समुदाय में जिस तरह से उत्साह है, RS भट्टी को लोग बधाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ ही सरकार को भी बधाई दे रहे हैं कि जिस तरह से RS भट्टी ने राज्य के विभिन्न जिलों में अपना सेवा प्रदान करते हुए अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास किया था, अब उन्हें एक जो नई जिम्मेवारी दी गई है DGP का, तो ऐसे में निश्चित रूप से वो खड़े उतरेंगे और अपने पूरे दायित्व का पालन करते हुए और सरकार के जो नियमावली है उस पर काम करते हुए अपराध पर अंकुश लगाने में सफल हो पाएंगे। कैमरा पर्सन हीरा के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।